यदि हार गए तो चिंता क्या है, इनका इतना गिनता क्या है। इस मेहनत के आगे सिक्कों का बच जाना तय है, इस रात का ढह जाना तय है। सेव योर ड्रीम्स, यानी हम देते हैं आपके सपनों को आकार। आप सपना देखिए, हम उसको आकार देंगे। एथिक्स का ऐसा नहीं, बचपन में हम लोग पढ़ते थे मोरल साइंस, ठीक है, उसी तरीके से इसमें एक एथिक्स का भी पढ़ाते हैं, जिसमें पढ़ाते हैं कि मॉरलिटी क्या होती है, एथिक्स वैल्यूज क्या होती है, एक ब्यूरोक्रेट्स की एथिक्स वैल्यूज क्या होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बार लेक्चर हर कोई विवेकानंद नहीं होता है कि एक बार में लेक्चर याद हो जाए और किताब फाड़नी पड़े। हम लोग हैं नॉर्मल लोग हैं, जानते हैं कि एक बार जो नोट्स हम लोग पढ़ते हैं उसको कई बार हमें रिपीट करना पड़ता है। इवन हमारे यहाँ का ये रिकॉर्ड रहा है, बच्चों ने बताया है कि जो नोट्स क्लास में टीचर्स ने बनाए उसमें से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस में आए हैं। देखो इसका भी रीजन होता है, जैसे ही बच्चा गांव से निकल करके आता है तैयारी करने के लिए, तो माँ बाप ने नो डाउट बहुत मेहनत की होती है। सबसे पहले तो माँ ने अपने बच्चे को अपने से दूर भेजा होता है 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो वो कोई भी आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। आप फोन करके बोलते हो कि पापा 2000 भेज दो, मामा 2000 रुपए भेज दो, किताब लेनी, वो तुरंत भेज देते हैं। और ऐसे 2000 कर करके पता नहीं कितने 2000 करके लाखों में आप पहुंच जाते हो। सिविल सर्विसेज की सिर्फ तैयारी ही नहीं करनी होती, बल्कि तैयार रहना पड़ता है। हर दिन बीतते हुए समय के सदुपयोग के लिए तैयार रहना होता है। हर दिन भविष्य में स्वयं के अस्तित्व के लिए तैयार रहना पड़ता है। खड़े हो रहे अस्तित्व संकट विरुद्ध तैयार रहना होता है। और तैयारी के लिए चाहिए होती है ऊर्जा, वो ऊर्जा जो स्वयं आपके अंदर है। और विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो इसलिए डटे रहिए, लगे रहिए इस बात से बिना डरे कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग है लोग क्या कहेंगे। यदि हार गए तो चिंता क्या है, इनका इतना गिनता क्या है। इस मेहनत के आगे सिक्कों का बच जाना तय है, इस रात का ढह जाना तय है। जय हिंद आकार आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी आकार आईएएस में क्या क्या कोर्सेज चलते हैं, किस कोर्स का क्या ड्यूरेशन रहता है, कोर्स के दौरान क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं आपको, और कैसे तैयारी कराते हैं। बहुत बार ऐसा हम देखते हैं कि बहुत दूर दूर से गार्जियन हमारे पास आते हैं जो हमसे बोलते हैं कि मैम जस्ट इंक्वायरी लेने के लिए आए थे। तो हम उनकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए ये पूरा वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसमें हम सारा बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज, क्योंकि वो इतनी दूर से हमारे पास सिर्फ इंक्वायरी लेने आते हैं। यानी जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो इतनी दूर से चल के आते हैं। कोई लखीमपुर खीरी से आ रहा है, कोई हरदोई से आ रहा है, कोई मुरादाबाद से आ रहा है, काफ़ी डिस्टेंस पे है। और सिर्फ ये जानने आना कि कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होते हैं, वो हमारे आकार इसके इस वीडियो से देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या कोर्सेज होते हैं और क्या क्या फीस होती है, कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं, वो सारी जानकारियाँ हम आपको यहाँ पे देंगे। आकार आईएएस हमारा जो स्लोगन है वो है सेप योर ड्रीम्स, यानी हम देते हैं आपके सपनों को आकार। आप सपना देखिए, हम उसको आकार देंगे। इसमें आकार आईएएस की बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं कि जैसे कि आकार आईएएस का अलीगंज का सेंटर कहाँ पे है और जो अदर सेंटर हैं वो सारे कहाँ पे हैं, उसका टेलीग्राम चैनल क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। मैं साइड में हो जाती हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। उसके बाद में आकार आईएएस के कोर्सेज की बात करते हैं। हम यूपीएससी का कोर्स कराते हैं, आईएसएसएस कराते हैं, इंडियन स्टैटिक सर्विस, UPPCS कराते हैं, ROARO का कोर्स कराते हैं, BEO, अभी BEd के बाद में UPPCS एक जगह निकलती है BEO का, वो भी हम आपको कराते हैं, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। CDS में जो GS वाला पार्ट होता है वो बच्चे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो CDS का GS वाला पार्ट होता है वो हम कराते हैं। नेट में जो GS वाला पार्ट होता है, नेट का एक पेपर होता है ना, जिसमें फर्स्ट पेपर में GS वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। PCSJ में जो GS वाला पोर्शन होता है उसके लिए, इन सभी के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल बैच भी स्टार्ट की है। ये बैच 6 मंथ की बैच है, नॉमिनल चार्जेस रखे हैं इसके हम लोगों ने। ये मॉर्निंग में 8:30 बजे ये बैच चलती है, केवल प्री के नाम से। इसका नाम हमने रखा है GS प्री। जितने भी एग्जाम इस टाइप के होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके इस ये वाला जो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है 6 मंथ का, इसमें कवर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं UPPCS, UPSC और इंडियन स्टैटिक सर्विस। इंडियन स्टैटिक सर्विस में जो GS वाला पोर्शन होता है और इंटरव्यू की हम तैयारी कराते हैं। अभी अभी मेंस का रिजल्ट आया है और हमने इसमें एक रिजल्ट टोटल 74 होल इंडिया में 74 लोगों ने क्वालिफाई किया है मेंस, जिसमें से एक स्टूडेंट हमारी ब्रांच का है, हमारे यहाँ आकार आईएएस का है। अब बात करते हैं UPPCS और UPSC की। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि UPSC और UPPCS में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। आप लोग जान रहे हैं कि 2018 में UPSC और UPPCS ने अपना सिलेबस एज ए UPSC कर दिया।
सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं रखा, थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस रखा है, और नो डाउट क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में तो डिफरेंस रखेंगे ही रखेंगे। तो इसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस इसलिए हमने ऐसे डिफरेंस देते हुए आपके सामने रखा है। देखिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का पेपर है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, जीएस का फर्स्ट पेपर और जीएस का सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जीएस का होता है और सेकंड पेपर आपका होता है सीसैट का, ठीक है। जीएस जनरल स्टडी 200 मार्क्स का होता है, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1/3 की नो डाउट माइनस मार्किंग सभी में होती है, ठीक है। जीएस की मेरिट को जब हम बिलोंग करते हैं तब मेंस में जाते हैं, लेकिन इसमें जो सीसेट वाला पार्ट होता है इसमें 33% क्वालिफाइंग होता है। और सेम यूपीएससी की भी यही क्राइटेरियाज है, लेकिन यूपीएससी में क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन इसमें 150 पूछा जाता है और इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1/3 की माइनस मार्किंग यूपीपीसीएस ने भी रखी हुई है। इसमें भी सेम ऐसे ही होता है, जीएस के पेपर को क्वालिफाई करना होता है, जो भी मैरिड उस साल जा रही होती है उस पेपर के हिसाब से, और सीसेट 33% क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। ये तो प्री का आपने देखा कि प्री का पैटर्न सेम है और सिलेबस भी सेम है। नो डाउट मैंने पहले भी बोला है कि क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन सिलेबस ये है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, ठीक है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस। अब हम मेंस की बात करते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मेंस के सिलेबस को देखते हैं। यूपीएससी के मेंस में भी जीएस के चार पेपर होते हैं, जिस जीएस की हमने प्री में बात की थी एक पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा था, अब उसमें जीएस में चार पेपर, उसी सब्जेक्ट को जीएस वाले पेपर को डिवाइड कर दिया गया। हिस्ट्री पॉलिटी वाला, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट फर्स्ट पेपर में, पॉलिटी वाला पार्ट सेकेंड पेपर में, आईआर पॉलिटी इंटरनल सिक्योरिटी ये सारी चीज़ें सेकेंड पेपर में आ जाएंगी, और थर्ड पेपर में आपका इन्वायरमेंट वाला पार्ट आ जाएगा, और फोर्थ एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है एथिक्स का, जैसे नहीं बचपन में हम लोग पढ़ते थे मोरल साइंस, ठीक है, उसी तरीके से इसमें एक एथिक्स का पेपर पढ़ाते हैं, जिसमें पढ़ाते हैं कि मोरलिटी क्या होती है, एथिक्स वैल्यूज क्या होती हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स की एथिक्स वैल्यूज क्या होती हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है ये, ठीक है, जिसमें हम गीता महाभारत भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एथिक्स का पेपर होता है चार, सेम ऐसे यूपीपीसीएस में भी जीएस के वैसे ही चार पेपर होते हैं जैसे यहाँ पे हो रहे हैं, और यहाँ पे यूपीएससी यूपीपीसीएस में जीएस के चार पेपर हो गए। जीएस के चारों पेपर में एक सबसे इंटरेस्टिंग, जीएस के चारों पेपर का सिलेबस जैसा कि हमने बताया, ठीक है, बाकी पूरी पीडीएफ हम इसमें अपलोड कर देंगे, वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर दीजिएगा लीजिएगा, जिसमें जीएस के चारों पेपर में क्या सिलेबस होता है बाकायदा डिफाइन है, ठीक है। ऐसे में क्या क्या कौन कौन से सेक्शन से ऐसे पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है, क्योंकि किसी ने बोला था यूपीएससी का सिलेबस कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि इंटरव्यू में वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर आप लिटरेचर के हो तो कभी भी आपसे टेक्निकल बैकग्राउंड का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन नॉर्मल जनरल साइंस का क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने भाई साइंस से रूबरू होते ही रहते हैं हम लोग, हमसे पूछ ही सकते हैं। एसी का पेपर इसमें भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट, यहाँ पे एसी का पेपर और हिंदी का पेपर दोनों ही पूछते हैं। हिंदी के पेपर में यहाँ नंबर ऐड होता है, ये समझो जो टोटल आपका मेंस होता है उसमें इसका नंबर ऐड किया जाता है, जबकि इसमें जो हिंदी और एसी का होता है वो बेसिक लैंग्वेज का होता है, जैसे हम लोग सीसेट नहीं क्वालिफाइंग करते थे, इस तरीके से इसमें इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाइंग होता है। हिंदी 30% क्वालिफाइंग होता है और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 20% क्वालिफाइंग होता है। उसका रीजन सिर्फ क्या होता है कि आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो, डीएम बनोगे किसी जिले के, क्या आपको दोनों लैंग्वेज में इतना ज्ञान है कि अगर आपसे कोई एप्लीकेशन आपके पास लेके आ रहा है अंग्रेजी की तो पढ़ पा रहे हो, या आप इंग्लिश मीडियम से हो तो हिंदी की एप्लीकेशन पढ़ पा रहे हो, किसी हिंदी भाषी की बातें समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको कोई मशीनों पे तो राज करना नहीं है भाई, समाज में रहना है, समाज के दुख दर्द समझने हैं, समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको समाज में सभी की बातें समझनी तो आनी चाहिए। तो यही सब कारण है ये लैंग्वेज आपसे, लैंग्वेजेस के जो आपके क्वालिफाइंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। हाँ, बहुत ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या वही ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं जो हमारा बीए या बीएससी या जो भी ग्रेजुएशन में रहा हो या जिससे पीजी किया हो,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर साइंस साइड के बैकग्राउंड से रहे हैं और आप हिंदी लिटरेचर लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बाध्य नहीं है, आपके पास कोई बाध्यता ऐसी नहीं है कि नहीं नहीं आप साइंस साइड से रहे हैं तो साइंस ही ऑप्शनल लें। आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। UPSC हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देती है, उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से हम कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट UPSC में 275 नंबर की होती है और UPPCS में 100 नंबर की होती है, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट नाम क्यों दिया है इंटरव्यू को, क्योंकि मेंस में आपके नॉलेज का टेस्ट हो चुका है, अब वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपनी बातों को कम शब्दों में कैसे एलिब्रेट कर सकते हैं, आपसे तुरंत अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कितना व्यवस्थित जवाब दे सकते हैं। अगर आप, क्योंकि आंसर्स में हम पहले से तैयार होते हैं, हमें 250 क्वेश्चंस में 200 क्वेश्चंस में लिखना है, लेकिन वहाँ पे हम पहले से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन मेंस में इंटरव्यू में हमारे सामने से क्या क्वेश्चन आएगा इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि तुरंत आप किसी भी मामले पर कैसा रिएक्शन लोगे वो ये देखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसा स्टडी मटेरियल हमारा होता है, पूरा कोर्स हम कैसा कराते हैं, ये तो हमने बता दिया था अभी तक। UPSC और UPPCS का क्या सिलेबस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आकार IAS उसे कैसे प्रोवाइड कराता है, कैसे मेंटेन करता है, कैसे तैयार कराता है। तो पहले हम आपको बता दें कि UPSC को तैयार कराने में हमें जो आपसे टाइम चाहिए होता है, ये उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास क्लास करने के लिए आते हैं। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन हमारे पास आते हैं तो UPSC के लिए तकरीबन हम आपसे 15.5 से 16 महीने का टाइम लेते हैं, ठीक है। 15.5 से 16 महीने का हम आपसे टाइम लेते हैं, जिसमें UPSC का पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, ठीक है। और UPPCS के लिए हम आपसे 12 महीने का टाइम लेते हैं, ठीक है। इसी में आप सारा कंप्लीट कराते हैं। हाँ, कभी कभी आपको 4 घंटे की क्लास करनी होती है, कभी कभी 2.5 घंटे की, वो डिपेंड करता है। अगर आप ऑप्शनल कर रहे होते हैं, सीसेट कर रहे होते हैं, तो आपको 2 बार क्लास करनी होती है, 4 से 5 घंटे की क्लास हो जाती है। वो सारी चीज़ें जब एक बार आप हमसे जुड़ेंगे, जो पीछे हमने नंबर बताए हैं उन पर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो हम ज़्यादा डिटेल में आपसे बात कर लेंगे। UPSC और UPPCS के लिए टाइम ड्यूरेशन आपका इतना चाहिए होगा अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन आए हैं, ठीक है। ये हम आपको इसमें सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। आकार IAS स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, और वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, अगर सारा पढ़ते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, UPSC और UPPCS दोनों के लिए। हम बिल्कुल इस बात के लिए गार्जियन से सख्त मना करते हैं कि बच्चे को आप उसके रूम को लाइब्रेरी बनाने की इजाज़त नहीं दीजिए। आकार IAS जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशियंट है, UPPCS के लिए और UPSC के लिए। दोनों के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल होता है, बाकायदा नोटबुक होती हैं। इसके साथ साथ में हम मेंस आंसर राइटिंग कॉपी भी देते हैं, और साथ में आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जो भी ऐसे फैक्ट हैं, ऐसा मटेरियल है जो हमारे इन नोट्स में कवर नहीं हो पाया है, उसको अलग से हम PDF फॉर्म में देते हैं, ठीक है। बाकी क्लास में टीचर हमेशा ही आपको डिक्टेट कराता है, और हमारा जोर रहता है टीचर से इस बात के लिए, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही होती है, कि आप बच्चे को नोट्स ज़रूर बनवाएं। नो डाउट हम बहुत अच्छे टीचर्स लगाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन टीचर जब लेक्चर दे के चले जाते हैं, उसके बाद में बच्चों को वो नोट्स ही होते हैं जो वापस पलटते हैं, तो उन्हें पता चलता है, अच्छा ये टीचर ने हमें पढ़ाया था। एक बार लेक्चर, हर कोई विवेकानंद नहीं होता है कि एक बार में लेक्चर याद हो जाए और किताब फाड़नी पड़े। हम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जानते हैं कि एक बार जो नोट्स हम लोग पढ़ते हैं उसको कई बार हमें रिपीट करना पड़ता है। इवन हमारे यहाँ का ये रिकॉर्ड रहा है, बच्चों ने बताया है कि जो नोट्स क्लास में टीचर्स ने बनाए, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन UPSC और UPPCS के मेंस में आए हैं। देखो, इसका भी रीज़न होता है, टीचर्स वो सारी चीज़ें लिखवा देते हैं जो UPSC या UPPCS के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। स्टडी मटेरियल की हमने बात कर ली आपसे, अब बात करते हैं आंसर राइटिंग कॉपी क्या है। ये कॉपी हम प्रोवाइड करते हैं, हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो क्लास, इवन टीचर से भी ये चीज़ बोला जाता है, मैनेजमेंट भी ये बात टीचर से बोलते हैं कि सर आप डेली एक क्वेश्चन बच्चों को लिखने को दीजिए। हम मानते हैं कि बच्चे जब नया पढ़ना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, आंसर राइटिंग एक कला है, रोज आने
एक बार में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। जब डेली हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम आता है कि हम आंसर राइटिंग कर लें। अब आंसर राइटिंग इतना टफ क्यों है? ये इसलिए टफ है, ऐसा नहीं कि हमें चीज़ें आती नहीं होती हैं। जैसे आप ही से पूछा जाए कि गांधी जी के बारे में बताइए, तो नो डाउट हमने बचपन से सुन रखा है, हम बहुत सारा बता सकते हैं गांधी जी के बारे में। लेकिन वही फिक्स कर दिया जाए कि 200 शब्दों में गांधी जी के बारे में बताइए, तो अब हम कन्फ्यूज कि अब क्या बता दें, 5-7 शब्दों का तो उनका नाम ही है। तो रीज़न तब कारण तब बनता है आंसर राइटिंग एक कि हमें फिक्स शब्दों में इम्पॉर्टेंट लिखना होता है, और फिक्स शब्दों में जो लिमिटेड शब्द हमें यूपीएससी या पीसीएस ने दिए हैं, वो तो लिमिटेड कॉपी भी वो इस हिसाब से देते हैं कि क्वेश्चन आपका टाइप होता है और फिर उतना ही स्पेस होता है जितने में आंसर लिखना है। तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब हमारे लिए समस्या होती है कि अब हम फिक्स शब्दों में किसी भी चीज़ के बारे में कैसे बोल दें। जैसे अभी मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, सिलेबस बता रही हूँ। हमसे अगर किसी ने कह दिया होता कि मैडम आप मुझे सिलेबस बता दीजिए मात्र 50 शब्दों में और मुझे समझ में आ जाए, मेरे लिए टेंशन हो जाती कि 50 शब्दों में मैं अपनी सारी चीज़ों को कैसे समेटूँ, क्या क्या समेटूँ। फिर उसके लिए हमें होमवर्क करना पड़ता। ऐसे ही आपने बोला, मैंने आपको बता दिया, बता रही हूँ, ज़्यादा शब्द बोल दूंगी, लेकिन वही 50 शब्दों में अपनी ही चीज़ों को मैं समेट नहीं पाती, उसके लिए पहले मुझे होमवर्क करना पड़ता, तब मैं समेट पाती। ठीक है, तो आंसर राइटिंग कॉपी इसलिए होती है ताकि डेली आप लिखने की प्रैक्टिस करें और एक टाइम आए कि आप एक भी आपका कोई आंसर जो है वो एज अ मॉडल आंसर वर्क करे। उसके बाद में ये आपको बताए फैक्ट नोट्स देते हैं जो पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के फैकल्टी को लगती है कि मैम आपने इसमें ये मेंशन नहीं किया, इस बार यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बना था, तो वो उसके लिए हम अलग से डेटा शीट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, इसके बाद भी कोई फैकल्टी बाहर से आते हैं और वो बोलते हैं क्लास में बच्चों से कि हमें देखो, कोई भी जो भी पुस्तक होती है वो पूरी पुस्तक इम्पॉर्टेंट नहीं होती यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए। मैं इस वीडियो में किसी पुस्तक का नाम नहीं ले रही, लेकिन आप लोग खुद जानते होंगे कि कोई भी हिस्ट्री की पुस्तक आप उठा लीजिए, वही हिस्ट्री की पुस्तक बीए करने वाला भी पढ़ता है, एमए करने वाला भी पढ़ता है, पीएचडी वाला भी पढ़ता है, और वही हिस्ट्री की पुस्तक यूपीएससी करने वाला भी पढ़ता है। अब चूंकि सबका सिलेबस सेम तो नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है कि उस पुस्तक में जितना कंटेंट होगा वो सारा आपका यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ, कुछ चैप्टर उसके ज़रूर इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जब भी हमारी फैकल्टी आपको किसी भी पर्टिकुलर बुक के लिए सजेस्ट करती है, किसी भी पर्टिकुलर बुक के लिए, तो वो आप रिसेप्शन पे आकर के बता सकते हैं कि मैम इस पुस्तक के लिए टीचर ने सजेस्ट किया और कहा है कि फला चैप्टर इस पुस्तक से पढ़ लीजिए। तो हम तुरंत ही आपसे कहते हैं कि पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वो पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसका प्रिंट आउट निकाल करके पीडीएफ फॉर्म में या प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दूंगी। तो इसका मतलब फिर आप अपने घर को लाइब्रेरी बनाने से बच गए। जो आकार ने मटेरियल दिया है, जो आकार ने बुक कॉपीज दी है आंसर राइटिंग लिखने के लिए, और जो फैक्ट दिया है, और जो किसी भी पर्टिकुलर पुस्तक का जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट होगा, जो आपकी फैकल्टी ने आपको रिकमेंड किया होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको अपने घर को लाइब्रेरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गार्जियन का ज़बरदस्ती पैसा खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बच्चा गांव से निकल करके आता है तैयारी करने के लिए, तो माँ बाप ने नो डाउट बहुत मेहनत की होती है। सबसे पहले तो माँ ने अपने बच्चे को अपने से दूर भेजा होता है ट्वेल्थ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, तो वो कोई भी आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं। आप फ़ोन करके बोलते हो कि पापा 2000 भेज दो, मम्मा 2000 रुपये भेज दो, किताब लेनी है, वो तुरंत भेज देते हैं। और ऐसे 2000 कर करके पता नहीं कितने 2000 करके लाखों में आप पहुंच जाते हो। तो अब इन सब चीज़ों से बचो। 100 किताबें पढ़ने से कभी लाभ नहीं होगा। 100 किताबें पढ़ने से ये लाभ जरूर होगा कि आपको बोलना अच्छा आ जाएगा। आप कहीं भी ट्रेन व्रेन में सफ़र करेंगे तो ज्ञान की गंगा बहाएंगे। अगर कोई किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर लेगा तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा बोलने के लिए, आप 3 घंटे 5 घंटे बोलते रह जाएंगे, नो डाउट ये ज्ञान होगा। ठीक है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस अगर आपका टारगेट है, आरओ आपका टारगेट है, अगर ये सभी आपका टारगेट है, तो एक किताब उठाइए, हम रिकमेंड कर रहे हैं, और उसको 100 बार पढ़िए। वो आपके लिए परीक्षा में सफल होने के लिए ज़रूरी है। नो डाउट किताबें बहुत अच्छा दोस्त होती हैं, लेकिन हर किसी से दोस्ती करने का एक टाइम होता है ना, तो किताबों से भी दोस्ती कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम निकाल लें, और भी किताबें बहुत सारी खरीदेंगे और पढ़ेंगे भी। लेकिन अभी बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किताब के फैक्ट जरूर सेम होते हैं, लेकिन विचारधाराएं अलग होती हैं, और वो विचारधाराएं हमें कंफ्यूज करती हैं। तो सबसे पहले इन कंफ्यूजन से बचना है, इसीलिए हमने इतना लंबा बोला इस पर।
उसके बाद में अभी तो जीएस की हमने सारी बात कर ली, अब बात करते हैं करंट अफेयर की। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत रोल होता है। अगर हम मोटा मोटी बोले तो आप 40-45% करंट अफेयर के रोल को या 50% भी करंट अफेयर के रोल को किसी किसी एग्जाम में देख सकते हैं। प्री में 30-35 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता ही है जो करंट अफेयर से घुमा फिरा के आ जाता है। अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन भी आता है तो उसे भी वो करंट अफेयर से जोड़ देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता है। करंट अफेयर क्या होता है, वही पुरानी चीज़ों में जो भी अपडेशन होता है, साइंस में कोई नई खोज हुई या किसी को कोई अवार्ड मिला या कोई भी ऐसी न्यूज, तो करंट अफेयर के लिए हम डेली एक आकार टुडे देते हैं। आकार टुडे न्यूज़पेपर से निकला हुआ ही कंटेंट होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर से निकला हुआ ही कंटेंट होता है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर के साथ इसे पढ़ें, न्यूज़पेपर भी ज़रूर पढ़ें। ये आप इसे समझ लीजिए कि ये कुंजी टाइप की होती है न्यूज़पेपर की। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको ये लग जाता है कि न्यूज़पेपर का क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आज हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर सिर्फ यूपीएससी या यूपीपीसीएस के बच्चों को देखकर नहीं बनाया गया होता है भाई। न्यूज़पेपर है, उसे डॉक्टर भी पढ़ता है, उसे पान वाला भी पढ़ता है, जिसे भाई खबरें हैं राजनेता भी पढ़ता है। वो बात अलग है कि हम लोगों को न्यूज़पेपर हमेशा पीछे से अच्छा लगता है क्योंकि चित्रहार उसमें अच्छा होता है। तो न्यूज़पेपर में आपको क्या पढ़ना है वो आकार टुडे आपको अच्छे से बताता है। और आकार टुडे में ही, इसमें दिखाया नहीं गया है, इसका भी मैं सैंपल पीडीएफ में डाल दूंगी, इसमें पीछे क्वेश्चन डिजाइन होता है कि 3-4 जो इंपॉर्टेंट न्यूज दिन की होती हैं वो इसमें कंसीडर की जाती हैं। उसके बाद में इससे रिलेटेड जो प्री का क्वेश्चन हो सकता है और क्या मेंस का क्वेश्चन हो सकता है वो इसमें डिजाइन होता है। क्लियर? हाँ, राइट। ये देखिए न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजाइन है, ये प्री का क्वेश्चन। इसी न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगा वो प्री का क्वेश्चन डिजाइन है और इसी से वो मेंस का क्वेश्चन डिजाइन है। इसे पढ़ करके और जो न्यूज़पेपर आप लेते हैं उसे पढ़ करके ये क्वेश्चन आपको लिख कर लाना होता है और रिसेप्शन पे सबमिट करना होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन डेली हमने बताया था जीएस में आपको लिखना होता है और एक क्वेश्चन आपको ये लिखना होता है। उसके बाद में करंट अफेयर की संडे क्लास होती है। यानी करंट अफेयर को हम कितने तरीकों से कवर कराते हैं, करंट अफेयर को हम 3 तरीकों से कवर कराते हैं। पहला हो जाता है आपका आकार टुडे, जो आपको हम डेली देते हैं, ठीक है, पहला हो जाता है आकार टुडे जो आपको डेली मिलता है। और दूसरा आपका हो जाता है वीकली क्लास, वीकली क्या आपकी होती है, क्लास। और मंथली मैगजीन प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है, मंथली आपको मैगजीन प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप से आपकी डेली करंट अफेयर क्लास होती है। जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस करना है, तो यानी आपने अपने कैरियर का डिसीजन ले लिया। और कैरियर का डिसीजन एक ऐसा डिसीजन होता है जो शायद शादी से भी बड़ा होता है, क्योंकि आपका कैरियर डिसाइड करता है कि आपकी शादी कैसी होगी या आपकी पूरी ज़िंदगी कैसी कटने वाली है। भाई अगर आप लेखपाल बनने का डिसीजन लिए हैं तो आपने लेखपाल की ज़िंदगी देखी होगी कैसी होती, वैसी कटेगी। अगर आपने आईएएस बनने का डिसीजन लिया है तो एक डीएम की ज़िंदगी कैसी होती है, वैसी कटेगी। अगर आपने एक फार्मर बनने का डिसीजन लिया तो जाहिर सी बात है, तो यानी आपका कैरियर ये डिसाइड करता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी कैसी कटने वाली है। और जैसा कैरियर होगा, जैसी ज़िंदगी कटेगी, शादी भी वैसी ही होगी, ठीक है। तो हुआ ना कि शादी से बड़ा कैरियर का डिसीजन होता है। फिर भी आकार आईएएस आपको बीच बीच में कैरियर काउंसलिंग सेमिनार कराता है। ये क्यों ज़रूरी होते हैं, देखो क्या, एक बार डिसीजन ले लेना कि हमें पीसीएस बनना है, हमें आईएएस बनना है, ये कोई 2 दिन की जर्नी नहीं होती है। आपको लगातार 1.5 साल लगना पड़ता है इसमें, क्योंकि 1 साल का तो प्रोसीजर ही होता है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, फिर रिजल्ट, ठीक है। उसके अलावा पहले प्री तक जाने के लिए आपको तैयारी करनी होगी ना। तो मोटा मोटी मैं आपको किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। आप सोचो कि आप 20 दिन, 25 दिन, 3 महीने, 5 महीने में आईएएस बन जाएंगे, हम आपसे हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आप हमें 2-2.5 साल दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आपके रिजल्ट की, ठीक है। 2-2.5 साल आप कंटिन्यू दीजिए, लेकिन 2-2.5 साल किसी एक लक्ष्य के पीछे भागते रहना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें टाइम टाइम पर मोटिवेशन मिलता रहे। उस मोटिवेशन के कारण, उस मोटिवेशन को बनाए रखने के कारण हम कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम बीच बीच में अरेंज करवाते हैं। इसमें आपके जो भी मोटिवेट कर सकते हैं आपको, अच्छे कुछ सिलेक्टेड लोग, कुछ अच्छे प्रोफेसर्स जिन्होंने काफ़ी, जिनकी काफ़ी ख्याति फैली हुई है, काफ़ी जिन्हें
काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, वो आपको आकर के आपके कैरियर के बारे में बताते हैं, बीच बीच में बताते हैं कैसे आंसर लिखो। बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके जब वो ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें UPSC करना है तब उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न कम होता है, लेकिन जब वो तैयारी करना शुरू करते हैं तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है। अजीब सी लग रही है ना ये बात, लेकिन अजीब नहीं है। क्यों कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है? हमसे तो हो ही नहीं रहा है, हमें तो याद ही नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं ना, क्योंकि हम तो लिख ही नहीं पा रहे हैं, हमारे तो नंबर कम आ रहे हैं, ये सब कारण होते हैं। हम 50 बच्चे एक बैच में बिठा रहे हैं, जाहिर सी बात है 50 बच्चे टॉप 10 में नहीं आ सकते, टॉप 10 में तो 10 ही बच्चे आएंगे ना। बाद में जो 40 बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं, वो परेशान होते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, तो उन्हें बीच में मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें ऐसे लोगों से मिलना होता है जो उन्हें समझाते हैं अपने कैरियर को लेकर के। उन्हीं के लिए हम कंडक्ट कराते हैं कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, ठीक है। उन बच्चों को हम ये बताते हैं कि जीतने को तो जीत लो तुम जंगे हजार, पर पहले खुद पर तो जीत हासिल कर लो। खुद पर जीत हासिल करने का मतलब होता है कि आप अपनी वो आदतें जो सुबह नहीं उठने देती, आपकी वो आदतें जो आपके हाथ से मोबाइल नहीं छोड़ने देती, आपकी वो आदतें जो बार बार उंगली आपकी फेसबुक पर चली जाती और रील्स आप देखा करते हैं, तो इन आदतों को जीतना ही आपको खुद पर जीत हासिल करना है। और जिस दिन वो आप अपने खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं उस दिन कोई भी जंग जीतना आपके लिए कठिन नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कैरियर काउंसलिंग सेमिनार कराते हैं। उसके बाद डिबेट प्रतियोगिता होती है। डिबेट प्रतियोगिता इसलिए होती है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं या आपका किसी भी मामले में जो दृष्टिकोण है, देखो ज्ञान से आपका दृष्टिकोण बनता है, ठीक है, और दृष्टिकोण अच्छा या बुरा बने उसके लिए नैतिकता की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपके अंदर मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। तो जो आपने जो ज्ञान से आपका दृष्टिकोण हासिल किया है और आपने जो एथिक्स पढ़ी हुई है, वो एथिक्स आप अपने डिबेट में कितनी अप्लाई कर पा रहे हैं? क्या हर बार आप आरक्षण के खिलाफ चिल्ला दे रहे हैं? क्या हर बार आप दहेज के पक्ष या विपक्ष में बोल रहे हैं? किसी भी पक्ष या विपक्ष में बोल रहे हैं, अगर आप आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? और उन सब आप अपनी भावनाएं जो हैं उनको शब्द दे पा रहे हैं? आप चार लोगों के सामने वो चीज़ें बोल पा रहे हैं, अपनी क्लास के सामने वो चीज़ें बोल पा रहे हैं? इसलिए हम अपने बच्चों से मंथ में एक बार डिबेट कराते हैं। सेम ऐसे ही मंथ में एक बार ऐसे कराते हैं। ऐसे का कंपटीशन होता है जिसमें कोचिंग में पढ़ने वाले और जो कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, आसपास मार्केट में जो बच्चे हैं कहीं अन्य जगह से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं कि वो डिबेट और ऐसे दोनों ही में पार्टिसिपेट करें। और देखिए ये ऐसे कंपटीशन की फ़ोटोज़ हैं आपके, ये सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे सिर्फ आकार में ही तैयारी कर रहे हैं, भाई जो भी मार्केट में हैं स्टूडेंट्स हैं हम उनको भी मौका देते हैं कि आप आइए आकार जो आपके लिए बेस्ट कर रहा है। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी अच्छा नहीं कर रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ अलग कर रहे हैं और जो हम अलग कर रहे हैं उसका लाभ आप लीजिए, हमारा बस यही निवेदन है। तो हम उन सब बच्चों को मौका देते हैं कि आप आइए और हमारे यहाँ डिबेट प्रतियोगिता में ऐसे प्रतियोगिता में भाग लीजिए। उसके बाद में एजुकेशनल टूर भी कराते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग कैसे? जो हम एक कोर्स चलाते हैं, अभी उस कोर्स के बारे में हमने नहीं बताया है, हम अगले वीडियो में बताएंगे, वो आफ्टर 12th कोर्स होता है, वो 12वीं के बाद जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए होता है। तो जब 12वीं के बाद बच्चे आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गाँव से निकल के आए होते हैं, लखनऊ उनके लिए नया होता है, इमामबाड़ा उनके लिए नई जगह होती है, अच्छी जगह होती है। तो जितनी भी ऐसे प्लेस जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं और जो हमारी पढ़ाई के दौरान हमारे काम आ सकते हैं, उन सभी प्लेसेस पर हम बच्चों को ले जाते हैं, वो चाहे ग्रेजुएशन के पास आउट बच्चे हों चाहे वो आफ्टर 12th के बच्चे हों। तो ये आपके हो जाते हैं एजुकेशनल टूर्स, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन सेशन होते हैं। ओरिएंटेशन सेशन में हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं पहले, हम उनको बुलाते हैं और उनसे अपना अनुभव शेयर कराते हैं। देखो ये सब चीज़ें कोई नया नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं कि मोटिवेट होते हैं आप देखते हैं कि जिन सीट्स पे जिन चेयर्स पे बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं, जो रिसेप्शन पे जो सेवा आपको मिली है, जो किताबें आपको मिल रही हैं, वो सारी किताबें पढ़ के कोई DM बन गया है, कोई SDM बन गया है, तो कोई DPRO है, तो जिस पोस्ट पे उन सबको हम बुलाते हैं, वो बताते हैं आकर के कि यही वो किताबें हैं, यही वो चेयर हैं, तो आपको अच्छा अनुभव होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या चीज़ें अवॉइड की। इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको क्या छोड़ना है,
क्या पढ़ना है वो जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा नहीं जा सकता। मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ कि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, आप बस उतना पढ़िए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप फोकस्ड पढ़िए, स्मार्ट लर्निंग स्ट्रेटजी अपनाइए, तो ये वही ओरिएंटेशन सेशन है जिसमें ये नेहा मिश्रा जी हैं जो हमारे यहाँ की हैं, SDM क्वालिफाई हुई हैं, ये विराट सर हैं, ये हमारे यहाँ के नहीं हैं, हमारे यहाँ के फैकल्टी हैं, एथिक्स की केस स्टडी यही सर डिस्कस कराते हैं। उसके बाद में ये कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे, इसमें सारे नहीं लिखे जा सके हैं लेकिन काफ़ी हद तक जो लिखे जा सके हैं वो हम लोगों ने इसमें डाले हुए हैं। खैर ये वो पेज है जिसपे कल आप लोगों के रिजल्ट होंगे, ठीक है, तो यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यही इन लोगों को ध्यान से देखना है, बस आप लोग देख सकते हो तो ये देखो कि कल को हमारा नाम यहाँ होगा, हमारा नाम यहाँ होगा, हमारा नाम यहाँ होगा, ठीक है। ये हम लोग जो भी इंटरव्यू वगैरह कराते हैं वो ये देवेश चतुर्वेदी सर हैं, ये 34वीं रैंक क्वालिफाई हुए हैं, IPS मिला हुआ है इनको। इस वीडियो के दौरान हमने वो सारी चीज़ें कोशिश की है बताने की, नो डाउट सारी चीज़ें मैं नहीं समेट पाई हूँ क्योंकि एक प्रेशर रहता है कि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी जो जानकारियाँ आप आकार IAS कैसे क्लासेस कराता है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी हमने कोशिश की है समेटने की। जो बची खुची जानकारियाँ हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देंगे। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नो डाउट इस पर कमेंट कर सकते हैं, सिलेबस वगैरह की PDF हम इसमें अपलोड कर देंगे। बाकी मेहनत करिए, जो नंबर्स हमने दिए हैं, WhatsApp नंबर दिया है, Telegram नंबर दिया, उन सब पर आप कॉन्टैक्ट करके और ज़्यादा जानकारियाँ ले सकते हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि अपने आप से कंपटीशन करो, आप कुछ दिन बाद पाएंगे कि आप बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।